हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर। इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर सर्च करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मैं यहां पर आपको एग्जांपल के लिए एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूं बारीकी से। ठीक, जैसा कि मैंने डाउनलोड करके रखा है, यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहां पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्टोरी सेवर फॉर इंस्टाग्राम, मैंने जो कि डाउनलोड करके रखा है। ठीक, मैंने इसलिए इसको डाउनलोड करके रखा है क्योंकि यहाँ पर इसकी रेटिंग देखिए 4.8 है। ठीक, और इसका डाउनलोड 100K+ है, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। और यह कम MB में भी डाउनलोड हो चुका है, 4.MB है इसका वर्जन। ठीक, मैं यहाँ पर आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा। ठीक, टाइमलाइन फॉलोविंग स्टोरी, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम यूजर आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर फॉलोविंग टाइमलाइन स्टोरी, आपने जिसको भी फॉलो किया है यहाँ पर फॉलोविंग होगा, इस यहाँ पर टाइमलाइन, यहाँ पर स्टोरी। स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने फॉलोवर देखने को मिलेगा और उनकी स्टोरी। ठीक, मैं यहाँ पर आपको किसी एक स्टोरी को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर इनकी फीड आ जाएगी और यहाँ पर स्टोरी, स्टोरी पर क्लिक करेंगे। स्टोरी पर क्लिक करने के बाद जो भी इनने स्टोरी डाली होगी वो यहाँ पर शो होगी, जैसे कि यह दिख रही है। ठीक, स्टोरी दिखने के बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा टाइम के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी होगी। यहाँ पर बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज होगी और यहाँ पर वीडियो, तो यहाँ पर वीडियो पर आप क्लिक करेंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद जो कि आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाया था, यह आ चुका है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने मीडिया पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो पर जाकर आप अपनी गैलरी में जाकर यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।